हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं पेस्कियन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कितने टाइम में ये की जाती है, किस बात का ध्यान रखना होता है, तो ए टू जेड जानकारी इंट्राडे के बारे में देंगे जितना हो सकेगा। और अगर आपने डीमैट खाता ओपन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप स्टॉक अभी निःशुल्क खाता ओपन हो रहा है तो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि डीमैट खाता मिनिमम 250 से 300 रुपये चार्ज लिया जाता है ब्रोकर द्वारा। तो अभी आप स्टॉक पे ऑफर चल रहा है, वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके क्लिक करके आप डीमैट खाता आसानी से ओपन कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है डीमैट खाता ओपन करने में, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है स्टॉक रजिस्ट्रेशन का, वो आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वॉच करके आसानी से डीमैट खाता ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए इंट्राडे के बारे में जानते हैं। देखिए इंट्राडे, इंट्राडे क्या होता है एक्चुअली में? इंट्राडे मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और क्लोज होता है 3:30 बजे। तो इस बीच में जो भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग का मतलब यानी जो स्टॉक बाई करते हैं और सेल करते हैं, तो इसी टाइमिंग के बीच में करना होता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट बंद हो जाता है। तो आपको यदि प्रॉफिट हो या लॉस हो इस टाइमिंग में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट आपको ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने लायक ये चाहिए कि स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप उसमें प्लस की ट्रेड खेल सकते हैं। और इसमें एक शॉर्ट सेलिंग भी होती है, अगर कुछ ज़्यादा ऊपर चले गया कोई स्टॉक और आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, सेल करके नीचे जाके बाय कर लें, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली इसके बारे में बताएंगे शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। लेकिन आप न्यू ट्रेडर हैं तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, पहले आप सीखो, लर्निंग पर फोकस कीजिए, अर्निंग बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो पर बने रहें। तो ठीक है, अब हमने मान लिया मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। अब इसके बीच में अगर आपने मान लेते हैं 9:30 बजे ट्रेड लेते हैं, तो आपका इन्वेस्ट 1,000 रुपये का मान लेते हैं, सपोज करके आपके पास कितने भी हो, 10,000, 1,00,000, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीखने के पर्पज से आप अगर 1,000 रुपये लगाते हैं तो 1,000 में आपको लिवरेज दिया जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है इंट्राडे का। इस वजह से अधिकतर लोग इंट्राडे करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्चुअली में 1,000 रुपये हैं और आपको 10 गुना ब्रोकर के द्वारा लिवरेज दिया जाता है, तो ये बढ़ के राशि 10,000 रुपये हो जाती है। तो कोई शेयर आपको 7 गुना भी लिवरेज देता है, कोई 8 गुना देता है, कोई 10 गुना। एग्जाम्पल के तौर पर हम 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। स्टॉक आपने बाई किया है 100 रुपये की प्राइस पे, एग्जाम्पल की जो रेट है वो 100 रुपये का कोई स्टॉक है, वो स्टॉक को आप 100 रुपये पे बाई करते हैं। अगर आपने इसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया है तो मान लेते हैं अगर आपको इस पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 10,000 रुपये के 100 रुपये के भाव पे कितने शेयर प्राप्त करेंगे? तो आपको 100 शेयर प्राप्त होंगे। कितने? 100 शेयर प्राप्त होंगे। अब यदि 100 शेयर पे अगर 10 रुपये भी बढ़ जाता पर शेयर, तो पर शेयर 10 रुपये बढ़ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 1,000 रुपये का। यानी 100 शेयर 1 रुपये बढ़ेगा तो 100 रुपये बढ़ेंगे, और 10 रुपये बढ़ेगा तो 1,000, और आपने लगाए कितने थे? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये लगाने पर 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, ये पूरे 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है इंट्राडे में। वो कैसे हो सकता है कि यदि आपको 10 रुपये का लॉस हो जाता है यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। स्टॉप लॉस का मतलब आपने कोई लिमिट ही नहीं ली है कि मैं लॉस कितना भी ले सकता हूँ, प्रॉफिट भी कितना ही ले सकता हूँ। तो उस कंडीशन में अगर -10 रुपये हो जाते तो आपको -1,000 रुपये का लॉस हो जाता है, और ये पूरा 100% का लॉस होता है। तो इस तरीके से तो ये सट्टा हो गया कि आपको लॉस भी उतना ही, प्रॉफिट भी उतना ही। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट का प्लस पॉइंट होता है स्टॉप लॉस, इसके माध्यम से आप आसानी से आपके कैपिटल को लॉस होने से बचा सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक घड़े में पानी भर के रखा हुआ है, उसके पैंदे में अगर एक छेद कर दिया जाए तो पूरा बह के पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में कहीं छेद किया है तो या तो घड़ा वो आधा रह जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपका पानी रुका रहेगा। तो उसी प्रकार से स्टॉप लॉस होता है मार्केट में, जो इसको सट्टा बाजार से बचाता है। तो इसलिए आप अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि भाई मेरे 100 रुपये की प्राइस पे 100 शेयर खरीद दीजिए और 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जैसे ही आपको कुछ नहीं करना, लगा के छोड़ देना है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन अगर वो 90 रुपये पे आ जाता है तो आपका माल 10 रुपये माइनस लेके 900 रुपये आपके एग्जिट होके ऑटोमेटिक डीमैट में आ जाएंगे। और यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ये जरूरी नहीं है 1,000 का लॉस होगा, 1,000 से ज़्यादा का भी लॉस हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि 20 रुपये का शेयर टूट जाता है, यदि इतनी बुरी न्यूज़ होती है इसमें कि ये शेयर क्या होता है 20 रुपये माइनस हो जाता है, तो आपको 1,000 रुपये का मतलब पूरे 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब 2,000 रुपये माइनस होंगे, अब आप ये सोचेंगे कि यही 1,000 रुपये थे, हमारे पास 2,000 रुपये कहाँ से दे? तो देखिए रजिस्ट्रेशन के होने के बाद पूरी जानकारी इसमें अपलोड की जाती है। जब तक आप ये 1,000 माइनस के डीमैट खाते तो आपकी जो असल राशि है इन्वेस्ट की वो तो आपकी इसमें से निकाल ली जाएगी। लेकिन अगर 1,000 रुपये आपके डीमैट खाते में नहीं है तो ये माइनस में बोलते रहेंगे। जैसे ही आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे 1,000 रुपये, तो ये आपकी पहली राशि काटेगा, उसके बाद आपको ट्रेड करने देगा।
तो इससे बच के खाई नहीं जा सकते, क्योंकि आपके नाम से डीमैट खाता ओपन हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो नए नए ट्रेडर आते हैं उनको ये जानकारी होती नहीं है, और एक्चुअल में वो इतना लिवरेज ले लेते हैं, अंधाधुंध जितना ट्रेड है एक्चुअल में उनके पास 1,000 रुपये और 10,000 का ट्रेड कर रहे हैं, और फिर उसमें सावधानी भी नहीं रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मेरा यह मानना है जो नए इन्वेस्टर हैं उनको बहुत सोच समझ के इंट्राडे करनी चाहिए, और ये बहुत कुछ ही चंद मिनटों का काम होता है कि बस आपको 1-2 रुपये का प्रॉफिट मिला और आपकी 1,000 क्वांटिटी थी, 1,000 रुपये लिए और एग्जिट होके निकल गए। और यदि आपको प्लस प्रॉफिट हो गया है तो आप उस दिन ट्रेड न करें, ओवर ट्रेड से बचे, सबसे प्लस पॉइंट है ओवर ट्रेड। यदि ओवर ट्रेड करेंगे तो इसमें आपका टैक्स भी कटता है। अब मान लेते हैं आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 1,000 का पूरा शुद्ध प्रॉफिट है मुझे, नहीं, क्योंकि 1,000 रुपये आपको, मैं जहाँ तक आपको एवरेज बता दूँ कि यदि आपको कैलकुलेटर चेक करना है, आप स्टॉक कैलकुलेटर क्रोम में जाकर लिख दीजिए, वहाँ पर आपको प्राइस लिखनी होगी कि हमने कितने शेयर खरीदे, 100 शेयर, और कितनी क्वांटिटी कितने पे खरीदिए, वो सब आपको कैलकुलेट करके बता देगा, कभी इतना तो GST कटा है, इतना टैक्स कटा है, इतना ब्रोकर चार्ज कटा है, इतना STT चार्ज कटा है। तो लगभग अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट पे इंट्राडे करेंगे तो मेरे हिसाब से बेचने और खरीदने पे वन टाइम में आपको 30-40 रुपये देने पड़ेंगे लगभग जहाँ तक वो आइडिया। लेकिन अगर आइडिया नहीं चलता है आप साइट पे चेक कर लीजिए, आप स्टॉक चला रहे हो तो आप स्टॉक कैलकुलेटर यूज कीजिए, जरोदा यूज कर रहे हो तो जरोदा कैलकुलेटर यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको 30 रुपये का एक तरफ का टैक्स देना पड़ रहा है वन साइड, तो आप अगर 5-10 बार उस ट्रेड को कर लेते हैं तो 300-400 रुपये तो आपका टैक्स ही कट जाएगा, और आप अगर माइनस में रहे 500 रुपये और टैक्स और कट गया 700 रुपये या 300-400 रुपये, तो वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टैक्स से बचिए और जितना कम हो सके ओवर ट्रेड से बचिए, और इंट्राडे सीखते रहे और थोड़ी थोड़ी राशि डाल के आसानी से ट्रेड करते रहे, और अगर जितना पहले नॉलेज ले ले उसी के बाद इंट्राडे में आए, यही मेरी जानकारी थी। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो और भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई बेसिक जानकारी लेके आऊँगा शेयर मार्केट की। और यदि हमारे चैनल अपेक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक कर ले, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।